नमस्कार, डेढ़ न्यूज में आपका स्वागत है। कहते हैं ना, जब समय खराब होता है तो ठोकर भी अपने आप लग जाती है। जी हाँ, ऐसा ही चल रहा है युवराज सिंह और सुरेश रैना के बीच में। जहाँ इससे पहले बात हो रही थी कि एमके प्रसाद जो कि बीसीसीआई में टीम अनाउंस करते हैं, तो उन्होंने कहा था कि युवराज सिंह और सुरेश रैना को रेस्ट दिया गया है। लेकिन अब बात खुल के सामने आ चुकी है कि इन दोनों का कैरियर हो चुका है खत्म। जी हाँ, आपको बता दें कि युवराज सिंह और सुरेश रैना का दोनों का चयन काफी सीरीज से नहीं किया जा रहा है। उसमें ऑस्ट्रेलिया सीरीज करंट उदाहरण है, जिसमें आपको बता दें कि इनका नाम पे चर्चा तक नहीं हुई। और अब आगे आने वाले समय में और भविष्य को देखते हुए ऐसा मुश्किल ही है कि ये दोनों खिलाड़ी कभी अब इंडियन जर्सी पहन पाए। आपको बता दें कि टेस्ट सीरीज में तो ये पहले ही नहीं खेलते, क्योंकि मैचेस से ये बाहर हैं। सुरेश रैना और युवराज सिंह ने काफी कम टेस्ट मैच खेले हैं और अब वो टेस्ट टीम में कभी भी रेगुलर सदस्य नहीं रहे थे, वो टीम के सदस्य हुआ करते थे वनडे की। ऐसे में जब वो वनडे से भी बाहर हैं, तो लग रहा है, कह सकते हैं कि इस बार की दिवाली है इनकी फीकी दिवाली, क्योंकि उम्मीद लगाए थे कि इनका दिया जलेगा और फिर से ये मैदान पे उतरेंगे। लेकिन शायद अब इंडिया टीम की ये लगातार जीते और अच्छी टीम कॉम्बिनेशन के चलते ये दिवाली इनकी होगी फीकी और ये भी होंगे इंडियन जर्सी से।